सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। कन्नौज से बड़ी खबर। कन्नौज में एक दिन पहले हुए बस हादसे की जगह आज फिर एक हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रहा लोडर सामने से ओमनी वैन से टकरा गया, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सौसया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ओमनी वैन चालक की हालत गंभीर होने पर उसको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। रविवार की सुबह कन्नौज जिले के ताल ग्राम थाना के गांव बिरोली के रहने वाले राम प्रताप सिंह वैरागपुर गांव में वहन के घर मातम पुरसी में शामिल होने जा रहे थे। कन्नौज छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गिलोई में एक दिन पहले एक बड़ा दर्दनाक बस हादसा हो गया था, जिसमें डबल डेकर सवारी बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत होने के बाद दोनों ही आग का गोला बन गए थे। इसी हादसे में कई लोग जिंदा जल गए थे और करीब 23 लोग घायल हो गए थे। उसी जगह पर आज फिर एक हादसा हो गया, जिसमें लोडर और ओमनी वैन आमने सामने से टकरा गई। मिट्टी में जा रहे थे और गुड़िया पर ओवरटेक करने में एक्सीडेंट हुआ। शिवराम नबीगंज का नाम गुड़िया एक्सीडेंट हुआ, तो वहीं ड्राइवर जाना गंभीर है, उसके चोट लगी, वो मेडिकल करें रेफर कर दिया गया और शिवरामऊ अस्पताल में और लोगों का उनका इलाज चल रहा है। कितने लोगों का इलाज चल रहा है? 7 लोग एक्सीडेंट हुआ। क्या कितने लोग आए हुए? क्या कहते हैं कि जीटी रोड पर एक एक्सीडेंट आज प्रातः हुआ था, जिसकी सूचना सौसैया से आई थी। वहाँ पे हम लोगों ने निरीक्षण किया। डीसीएम और मैजिक में ये आपस में टक्कर हो गई थी प्रातः में, जिसमें 9 लोग घायल हुए थे और 8 लोग वर्तमान में सौसैया अस्पताल में भर्ती हैं। 1 लोगों को तिरुआ मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स ने रेफर किया है, जहाँ उनका इलाज सभी का हो रहा है। सर, जो एक्सीडेंट हुआ था 2 दिन पहले, उसको कितने पास हुआ एक्सीडेंट? ये अलग है और वो अलग है। ये दूसरी जगह पर हुआ है, वहाँ पर नहीं।